है एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज में हम डिस्कस करेंगे आपका फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज़। देखो, फ्लैगशिप स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जिनको हम या तो कोई आइकन दे दे या कोई सिंबल दे दे, यानी कि एम्बेसडर बना दे किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो हम अगर किसी भी स्पीसीज़ के, मान लो कि कोई स्पीसीज़ है वो कि डेंजर में आने वाली है, तो स्पीसीज़ को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को जागृत करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई स्पीसीज़ को बचाओ, ये ख़त्म होने वाली स्पीसीज़ है, ठीक है, ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ध्यान कोई कब देता? देखो, मेनली अट्रैक्शन कब होता है? जब आप क्या करते हो, किसी भी पार्टी में जाते हो, तो जब आप सबसे अलग लगोगे, सब ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे और आपने सबसे अलग कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, या आपने कुछ ऐसी चीज़ लगा रखी है, मान लो क्राउन लगा रखा है या कुछ ऐसा सिंबल लगा रखा है, तो वो क्या करेगा, आपको पूरी भीड़ में सबसे अलग आपको दिखाएगा। तो ऐसी ये भी स्पीसीज़ वो होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, भीड़ से अलग दिखाते हैं, यानी कि इनके ऊपर जो कैंपेन चलना है, जो प्रोजेक्ट्स होने हैं इनको सेव करने के लिए, तो इनको इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन स्पीसीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको एज ए एम्बेसडर घोषित कर देते हैं। ओके, मेनली ये जो स्पीसीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। ओके, तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ब्लैक रिनोसोर्स, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट्स और पम्बा फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, कैस्पिक है, ब्लू क्रैब, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स आपके फ्लैगशिप स्पीसीज़ के। अफ्रीकन एलिफेंट भी है, गोल्डन लायन जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज़ में ही आते हैं। अब आते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज़। आप सभी ने भाई अम्ब्रेला तो देखा होगा, ठीक है, एक डंडी सी होती है, ऊपर इतनी बड़ी उसकी छत सी होती है, तो उसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि किसी भी एक स्पीसीज़ को सेव कर लो, जो कि उसके जो नीचे जितनी भी स्पीसीज़ आती हैं उन सबको सेव कर सके, यानी कि ये वो स्पीसीज़ होती हैं, अगर हम इनको प्रोटेक्ट कर ले तो इसके नीचे बहुत सारी स्पीसीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, एक ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट, एक ट्री है, उस ट्री को अगर हम प्रोटेक्ट करें तो उस ट्री के नीचे जितनी स्पीसीज़ रहती हैं, उस पर जितनी स्पीसीज़ रहती हैं, हम कितने सारे स्पीसीज़ को सेव कर रहे हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के वहाँ बर्ड्स भी होंगे, नीचे उसके जानवर भी रहते होंगे, छोटे छोटे जानवर्स रहते होंगे, तो उन सभी स्पीसीज़ को हमने उससे सेव कर लिया, ठीक है, या सेव कर लिया। तो ये होती हैं अम्ब्रेला स्पीसीज़, यानी कि एक स्पीसीज़ को सेव करके आप बहुत सारे स्पीसीज़ को सेव कर सकते हो। ओके, मेनली इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं आपके, जैसे कि आपका नदन स्पॉटेड आउल्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और बटरफ्लाई जो कि ग्लासलैंड के अंदर है, अमूर टाइगर्स, रशियन फार ईस्ट, ये सब क्या हैं, एग्जांपल है आपके अम्ब्रेला स्पीसीज़ के। सो आप लोगों को समझ में आया फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला का मतलब? देखो, फ्लैगशिप यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, सिंबलाइज कर रहे हो, ठीक है, उसको एज ए एम्बेसडर आप उसको दिखा रहे हो कि भाई इस स्पीसीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो स्पीसीज़ है वो डेंजर कंडीशन में आने वाली है, ठीक है, एक्सटिंक्ट कंडीशन में आने वाली है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, इसके खिलाफ आप क्या करिए, लोगों को जागृत कीजिए और इसका कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आती है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जैसे कि आप सभी देखते हैं अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के नीचे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ को सेव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम एक स्पीसीज़ को सेव कर ले, जैसे कि हमें अभी एक प्लांट ट्री का एग्जांपल लिया था, ठीक है, उस ट्री पे बहुत सारी स्पीसीज़ है, तो अगर हमने उस ट्री को बचा लिया तो कितनी सारी स्पीसीज़ बच जाएंगी। ऐसी ही आपकी और भी स्पीसीज़ जो होती हैं, जिनकी मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि आपका अमूर टाइगर्स है, ठीक है, तो अमूर टाइगर्स इन रशियन फार ईस्ट के अंदर, उन्हें बचा के हम बहुत सारी जो इसके नीचे की स्पीसीज़ है उनको भी बचा सकते हैं। ओके, तो ये था आज का आपका लेसन, जिस हमने डिस्कस किया अम्ब्रेला एंड फ्लैगशिप स्पीसीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो भाई चैनल को, ठीक है, 85% लोग आ रहे हैं अभी भी, जो ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब किए बिना जा रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।